बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दोसा बर। आप सबको बताया मैंने खरगोशी और एक खरगोशी रखी हुई है। मेरी खरगोशी ने ना बच्चे देने हैं, तो मेरे जितने भी दोस्तों ने खरगोश रखे हुए हैं ना, वो कहते हैं खरगोशी ना पक्के था बच्चे नहीं देती, दे भी देना तो पक्के था खरगोशनी के बच्चे मर जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि खरगोशों का ना मट्टी से घर बनाया जाए। आज हम खरगोशों का मट्टी से घर बनाएंगे। हम लोग अपने घर के सबसे ऊपर वाली मंजिल में आ गए हैं, वहां बनाऊंगा मैं अपने खरगोशों का घर। अब जान कहता है यहाँ खरगोशों का घर मत बनाना, क्योंकि जब भी बारिश आएगी ना यहाँ सब कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। वहां घर बनाएंगे ना, यहाँ बारिश भी आ जाएगी ना, तभी थोड़ी सी मट्टी खुरेगी ना तो यहाँ से बाहर चली जाएगी। ये देखें, ये बाहर को जाने का रास्ता है। खरगोश पहली बार ऊपर आया ना, पहचान कर रहा है, पूरे घर पूरा घर ही देख रहा है। वो देखे नीचे चला गया। खरगोशों के अगर पानी रखते हैं, ये लगी हुई है टूटी हटका, मैंने दो कर पानी रख दिया है। अभी नीचे से रोटी लेकर आते हैं और इनके आगे डालते हैं। फिलहाल तो अभी गर्मी बहुत ही ज्यादा है। देखें, जब गर्मी कम होगी ना तब हम नीचे से मट्टी लेकर आएंगे, फिर बनाएंगे खरगोशों का घर। अभी धूप थोड़ी सी कम होगी और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो खरगोश मेरे कहाँ गए? इधर होंगे। कहाँ है खरगोश भाई साहेब? वहाँ हो गया उसके पीछे। यहाँ भी नहीं है, नीचे तो नहीं चले गए? यहाँ उन्होंने कहा आना था। ये रहे। कहाँ? ओ ये देखे, खरगोशों को यहीं बैठे रहने देते हैं। पहले हम घर बना लेते हैं, फिर इनको बाहर निकालेंगे। मैं नीचे से ईटे लानी पड़नी थी, तो ये हमारे मिस्त्रियों ने चाह रही हूँ यहाँ ऊपर ईटे। मिस्त्रियों ने ना इन ईटों से ना ये पोरी बनानी है, ये जो ना इसको हटा देना है, सीमेंट की पोरी बनानी है। अभी खरगोश का घर बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले ईटे लगा लेते हैं, बाद में ना नीचे से मट्टी लेकर आएंगे। मैंने काफी सारे ईटे लाकर ना यहाँ रख दिए हैं, अभी लगाना स्टार्ट करते हैं। ये बाली कई ले लेते हैं, ये बाल हमने दबड़ ली है, भाई से हमने कई पकड़ लिया। अभी नीचे जाकर मट्टी लेकर आते हैं। अरे घर के सामने खेत है, हम यहाँ से मट्टी लेंगे। भाई साहब कहाँ से लेनी है? यहाँ से खुश रख देख लेते हैं, जो गिली मिट्टी है वो बहुत भारी होगी। यहाँ सही है, नीचे से गिली होगी, कोई बात नहीं। ऐसी भाई साहब ने मट्टी का दाबड़ भर लिया है, देखे कितना ज्यादा बढ़ लिया है। तो जिस भाई साहब कहते थे घर छोटा बनाओ, मैंने खुला बना दिया। मैंने कहा खरगोश अच्छी तरह से ही रहे उसके अंदर, तो ऐसे हम दाबरे 20 लेकर जाएंगे तो तब वो पूरा होना है। तो कोई नहीं, लेकर ले, ले, ले तो आप जाने हैं। आप सब लोग कमेंट करके बताना किस किस को मजा आ रहा है भाई साहब को देखकर। मट्टी बहुत ज्यादा भारी है, मन डाल रहे हैं। चौथी मंजिल में पहुंच गए, आ जाए। मेरे 10 फेरे लगाए ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, तो बंदा थक जाता है। हो जाएगी, कितनी ज्यादा हो गई है, कितनी ज्यादा हो गई भाई साहब। हाँ जी, हम इतनी मुश्किल से घर बना रहे हैं, जब तो और ना हो तो बस ऐसे टूट जाता है। मिस्त्रियों देखने ऐसे तो होना है। एक फेरे में ही टांगे भी दर्द कर रही हैं और गर्दन भी। गर्दन इसलिए दर्द कर रही है क्योंकि बहुत भारी था, टांगे इसलिए क्योंकि चल चल कर उतरा भी हूँ। उसरा दब रहा है और भाई साहब कह रहे हैं मुझसे जा जाएगी। भाई साहब ए आप बीस दाबरे करने ना, हिम्मत मत हारना। लोग कहते नहीं हिम्मत हारने वाले कोई हार नहीं होती। भाई साहब की पता नहीं टांगे पीड़ करती है ना हो, तो मेरी चल चल करती जा रही है। कभी भाई साहब के साथ आता हूँ, कभी आता हूँ। कहाँ जा रही हो? दो फेरे लगाकर मुझे त्रेह लग गई, अभी पानी पीता हूँ। तीसरा फेरा जा रहा है, वो देखें वो है खरगोशी। खरगोशी नहीं पता नहीं कहाँ है,
नीचे चली गई है। इसे देखना मेरी छलांग मार लो। भाई साहब लिफ्ट लगानी चाहिए थी, बस ये दबरा भर कर लिफ्ट में लेकर जाते सीधे ऊपर। भाई साहब उठा लो। हाँ दाऊद कह रहा था थोड़ी देर बाद अपने सिर पे रखने। भाई साहब पैसे ले ले 50 रुपए मुझे मिले हैं। नहीं नकली, ये देखें देखें कैमरे में ऐसा लग रही है। नहीं देखी हूँ। बस बच्चों का खेल दबरा, हमारे खरगोश मिट्टी के साथ खेल रहे थे, अब दाने खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ चल रहे थे। ये कहाँ जाने लगे हो? जो काम करता है वही खाता पीता है। मैंने भी काम किया थोड़ा सा। बोतल पीने लगी हो? यहाँ किसी ने रखी थी? मैं रख गया। आधा ग्लास भर लिया मैंने। आधा ग्लास है? ये देखें कैमरे के लोग गया ग्लास। आधा ग्लास भर है ना मैंने। हाँ। दूसरा ग्लास वहां से मैं वीडियो बना रहा था। पहला था? दूसरा था। पहला था सबूत। वीडियो बनाई है? दिखाओ मुझे भी दो बोतल। ये ना 15 दबरे फेंकने ना। हाँ जी। 5 फेंकने पर मैंने पिया एक ग्लास। हाँ जी। 10 फेंकने पर पीऊंगा एक ग्लास। हाँ। 15 फेंकने पर एक ग्लास पीऊंगा और ये पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये थोड़ी सी, अब बहुत ही सी, अब थोड़ी ज्यादा। ये उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा भी दे। ये देखे देखो कैमरे को लग रही है। 5वां दबरा मार दो, मार दो, मार दो। छेवां दबरा द्रब बहुत हो गई। नहीं भाई साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। भाई साहब कहते कहीं लेकर आओ, नीचे से कहीं लेने जा रहा हूँ अभी मैं, कहीं लेकर मैं छत पर जा रहा हूँ। क्या करने लगी हो? मुझे दरवाजा बना लेगा। दरवाजा? हाँ जी। अरे खरगोशों का घर तैयार हो गया है, यहाँ इतनी ज्यादा मिट्टी है, यहाँ आराम से रह सकते हैं। खरगोशों को छोड़ते हैं इसके अंदर, जल्दी से बच्चे दे ले खेले। अभी थोड़े दे देने हैं, खेलेंगे देखना मिट्टी में खेलेंगे। मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ आगे से। पकड़ लेता हूँ, मैंने पकड़ ली। ये कहाँ है? दरवाजा लगाना है। मैं दूसरे को ढूंढता हूँ, वो अंदर ही तो नहीं रह गया। वो देखे वो बैठा हुआ है, वो तो आगे को जा रहा। भाई साहब यहाँ से नजर आता है? नहीं नजर आ रहा। फट्टी लगाएंगे ना फिर बाहर नहीं आएंगे, फिर बाहर आ जाना है। यार यहाँ भी लगा दो, अब नहीं बाहर आ सकेंगे। वो देखो कि नुकर में होकर बैठ गया। भाई से दरवाजों कह रहा हूँ, दरवाजों से उठा रहे हैं मिट्टी क्योंकि बाहर ना आ सके। कच्ची जगह में ना मेरे खरगोश कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था खरगोशनी का कैसा पता चलता है और खरगोश का कैसे पता चलता है। ये देखे खरगोशनी कैसा पता चलता है, इसका मुंह बारीक होता है और लंबा होता है। खरगोश का मुंह मोटा होता है और छोटा होता है। आप सब लोग कमेंट करके बताना आपको हमारे खरगोशों का घर कैसा लगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।